सुखा, क्या कर रही हो यहाँ? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे देख रहे हो? हाँ हाँ, शहर में काफी लड़कियाँ देख चुका हूँ, तुम्हारे सामने सब फीकी पड़ गई। और ये मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं। लॉकेट तुम्हारे लिए बहुत सुंदर है साहब जी। अब तो एकदम फूल लग। ये गलत है, मेरे पिताजी को ये पता चल जाएगा तो मुझे मार डालेंगे। तुम्हारे पिताजी को कैसे पता चलेगा? तुम नहीं बताओगी तो मैं क्यों बताऊंगी? ये सब हुआ था। अच्छी है तुम्हारी कहानी। ये कहानी नहीं, सच है। ओके ओके, मान लेता हूँ, लेकिन उनको तो यकीन होना चाहिए। तब तक ऐसा ही रहना पड़ेगा, समझे? दिन भर जागरण किया हो, रात भर आराम करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ पूर्णिमा। ये रोना बंद करो। रो मत और चलो। रो मत चैत्रा। मेरी वजह से पूर्णिमा की जिंदगी खराब हो गई। शादी की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। रो मत चैत्रा। ऐसा कभी होगा, तुम्हें भी नहीं पता था ना? दिलीप इतना जल्लाद होगा ये मुझे भी नहीं पता था। उसके नजर में लड़कियों की इज्जत और आबरू में कोई फर्क नहीं दिखता है। उसे दोस्त बुलाने में मुझे अब शर्म आ रही है। फ्रेंडशिप करने से पहले मैं अच्छा बुरा का पता नहीं चलता है, फ्रेंडशिप के बाद ही पता चलता है कि अच्छे हैं या बुरे हैं। जान बचाने के लिए हमारे पास आके अपनी जान गवा दी। दिखने वाले खतरों से बच सकते हैं, ना दिखने वाले मृत्यु से बचना किसी के हाथ में नहीं है। ज्यादा मत सोचो, जाकर सो जाओ। माली, जाकर पगड़ी दली को बुला कर ला। मैं जो पूछ रहा हूँ उसे साफ साफ बताओ। हमारा दिलीप कल तुम्हारे ही साथ था ना? हमारा, हम दोनों को बहुत भूख लगी थी, तो इसे धोखा कैसे बोल सकती हो? शराब पीने वाला लड़का शराब पीने वाले लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता, तो इसे धोखा कैसे कह सकती हो? क्यों? छोटे से शक की वजह से इतनी बड़ी गलती हो गई। कोई गलती नहीं हुई, बल्कि सही हुआ। जो लड़कियों का इस्तेमाल करके छोड़ दे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या बोल रही हो रेशमा? वहाँ किसी की जान जा रही है और तुम ऐसी बातें कर रही हो? पगड़ी तल्ली, प्लीज कुछ कीजिए ना, पता नहीं से क्या हो गया। पगड़ी तल्ली, दिलीप दिलीप कुछ कीजिए ना। दिलीप मेरे भाई, इसे जहरीले सांप ने डस लिया है। ये क्या बोल रहे हो? हाँ मालिक, इसका पूरा शरीर नीला पड़ते जा रहा है, इसके खून में जहर मिल गया है। मतलब कुछ नहीं कर सकते? हाँ, प्रयत्न तो कर सकते हैं, बचने की गारंटी नहीं है। ऐसा मत करो पगड़ी तले, कुछ तो करो प्लीज। तुम जंगल से पिंजरी पत्ते लेकर आओ। ये कहाँ मिलेगा? इसको पता है। हाँ, हमसे गलती हो गई, मेरे आने तक इसका ख्याल रखना प्लीज। हम गलती करके उसको भूल जाते हैं, लेकिन हमारी की गई गलतियां कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। आप लोग जाइए। मैं भी साथ आऊं क्या? तुम क्यों आओगी? मैं भी तो उससे प्यार करती थी ना। ये क्या हो गया? इसलिए तुम लोगों को मना कर रहा था मैं। तुम जाओ। ठीक हो जाएगा, रोना नहीं, ठीक है? तुम लोग इधर ही रहना, तुम मेरे साथ आओ।